नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर सिक्स जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स तो यहाँ पर हम ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्लड पे एक्ट करते हैं हमारे ब्लड पे अपने एक्शन शो करते हैं और जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं उन पे एक्शन शो करते हैं तो ऐसे मेडिसिन के बारे में ऐसे ड्रग्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन तो हमारे ब्लड पे एक्ट करने वाले ड्रग और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे डेफिनेशन क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन डोज इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हिमाटेनिक एजेंट्स तो हिमाटेनिक एजेंट्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिमाटिनिक एजेंट्स मतलब जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं उनके बारे में देखेंगे एंटी कोआबुलेंट्स के बारे में देखेंगे एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स के बारे में देखेंगे और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे ये सारे कैटेगरीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है छोटा सा ही चैप्टर है तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड ब्लड एंड फॉर्मिंग ऑर्गन्स तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी सबसे पहली कैटेगरी हिमाटिनिक एजेंट्स तो हिमाटिनिक एजेंट्स की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे दीज आर द एजेंट्स दिच इंक्रीज द नंबर ऑफ आर बी सी एंड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आर का नंबर बढ़ाते हैं और साथ में हीमोग्लोबिन की अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं आर मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं हीमेटिनिक एजेंट्स इसके एग्जाम्पल देखेंगे अब क्लासिफिकेशन यहाँ का कैसा है यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है साइनोकोबलामाइन जिसको विटामिन बी भी बोलते हैं फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन जिसको बोलते हैं एंड आयरन तो ये जो है ये हिमाटेनिक एजेंट्स है ये जो एजेंट्स है ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तो इनके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे तो सबसे पहले हम साइनोकोबला माइन के बारे में देखेंगे जिसको विटामिन बी ट्वेल्व भी बोला जाता है फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व तो यहाँ पर हमें सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन बी ट्वेल्व के मतलब साइनोकोबला माइन किन सोर्सेज से हमें मिल सकता है उनके बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है तो सबसे पहला है फिश एग योग मिल्क लेग्यूम्स नोडुल्स ऑफ़ रूट वेजिटेबल्स तो ये सारे सोर्सेस हो गए विटामिन बी ट्वेल्व के इन सोर्सेस से हमें विटामिन बी ट्वेल्व मतलब साइनोकोबला ये मिलता है देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन बी ट्वेल्व इज एब्जॉर्ब ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस बाय सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा तो ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है ये एब्जॉर्ब होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर तो जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है इसके जो सेल्स होते हैं वो एक इंटरेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो इंटरसिक फैक्टर है ये विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बशन करा आता है। इसकी वजह से विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो एब्सॉर्ब होता है अगर ये एब्सेंट रहा तो उस कंडीशन में विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन नहीं होता देन नेक्स्ट क्या बोला गया है द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर इज टू बाइंड विटामिन बी ट्वेल्व एंड एक्ट एज अ कैरियर तो इसकी इसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है इंट्रेंसिक फैक्टर की कि ये विटामिन बी ट्वेल्व के साथ बाइंड होता है और एज अ कैरियर की तरह काम करता है मतलब विटामिन बी ट्वेल्व को कैरी करता है विटामिन बी ट्वेल्व इज एक्सक्रेटेड इंटू बाइल बट मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब तो ये जो विटामिन बी ट्वेल्व है ये बाइल के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रेड आउट किया जाता है पर उसमें से ज़्यादातर अमाउंट का जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई विटामिन बी ट्वेल्व के रिगार्डिंग देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन विटामिन बी ट्वेल्व के यूजेस क्या है सबसे पहला है इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मेगैलो एनीमिया मेगैलो एनीमिया मतलब ये एक एनीमिया का टाइप होता है एनीमिया मतलब क्या होता है जब हमारे ब्लड में आर बी सी के काउंट जो है वो कम हो जाती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया मतलब ब्लड की कमी और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है इस कंडीशन में जो आरबीसी होते हैं उनका साइज नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो जाता है उस कंडीशन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए साइनोकोबलामाइन का यूज़ किया जाता है इन परनिशियस एनीमिया तो परनिशियस एनीमिया ये भी एक एनीमिया का टाइप है इसको ट्रीट करने के लिए भी विटामिन बी ट्वेल्व का यूज़ किया जाता है देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडेशन इनके कॉन्ट्राइंडेसन से एलर्जी अगर किसी को एलर्जी है कोबाल्ट से कोबाल्ट यह मॉलिक्यूल साइनोकोबलामाइन में प्रेजेंट होता है तो अगर किसी को कोबाल्ट से एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम साइनोकोबलामाइन उनको नहीं दे सकते ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है देन नेक्स्ट है लीबर्स डिसीज जिसको विजन लॉस बोलते हैं तो ये लीबर्स डिसीज मतलब ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है इसमें विजन लॉस होता है तो ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है तो इस कंडीशन में भी साइनोकोबालामाइन मतलब विटामिन बी ट्वेल का यूज नहीं कर सकते देन इसका डोज देखेंगे साइनोकोबालामाइन इंजेक्शन का डोज होता है हंड्रेड माइक्रोग्राम पर एम एल और हाइड्रोक्सी का डोज होता है वन एम जी पर एम एल तो ये इनके डोजेज हो गए देन नेक्स्ट हम देखेंगे फोलिक एसिड के बारे में हमने अभी साइनोको के बारे में देखा अब हम देखेंगे फोलिक एसिड के बारे में फोलिक एसिड इज नेम ड्यू टू फाउंड इन

प्रेजेंट होता है ये मिलता है फोलिक एसिड इज एक्सक्रेटेड आउट इन टू द यूरिन तो ये जो फोलिक एसिड है ये हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट किया जाता है हमारे बॉडी से तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई के रिलेटेड हम देखेंगे इसके इंडिकेशन यूजेस क्या होते हैं इन मेगालोब्लास्टिक एनिमिया तो मेगेलोब्लास्टिक एनिमिया ये कंडीशन ट्रीट करने के लिए फोलिक एसिड का यूज किया जाता है दे नेक्स्ट है एनिमिया ड्यू टू इम्पेयर एबजॉर्प्शन यहाँ पर क्या बोला गया है की एनिमिया ड्यू टू इम्पेयर एब्जॉर्प्शन अब आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन जरूर जरूरी होता है आयरन जरूरी होता है साइनोकोबलामाइन फोलिक एसिड इनकी वजह से जो है आरबीसीज़ का अमाउंट बढ़ता है इनकी वजह से आरबीसीज़ का फॉर्मेशन होता है अगर ये प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उस कंडीशन में बीसीज का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो उनकी अमाउंट कम हो जाएगी और उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। तो अगर एब्जॉर्बन प्रोसेस जो है वो इम्पेयर्ड है मतलब प्रॉपरली नहीं हो रही है उसकी वजह से अगर एनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फोलिक एसिड का यूज़ किया जाता है दैन नेक्स्ट है एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है जैसे आयन का फोलिक एसिड का सैनोकोबलामाइन का इनका अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है और उसकी वजह से आरबीसी फॉर्म नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में एनीमिया हो सकता है तो इस टाइप का अगर एनीमिया किसी को हुआ है तो उस कंडीशन में उसको फोलिक एसिड दिया जाता है तो इस तरीके से ये इंडिकेशनस हो गए फोलिक एसिड के दैन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडेशन इसके कॉन्ट्राइंडेशंस होते हैं सबसे पहला है एलर्जी एलर्जी की कंडीशन में ये हम किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते लो विटामिन बी ट्वेल्व अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी मतलब सैनोकोबला की कमी है तो उस कंडीशन में भी फोलिक एसिड का यूज नहीं कर सकते कैंसर अगर कैंसर है किसी भी पेशेंट को तो उस कंडीशन में फोलिक एसिड का यूज नहीं कर सकते इसकी वजह से एक टाइप होता है एनीमिया का वो ऑकर हो सकता है पेशेंट के बॉडी में इसीलिए कैंसर की कंडीशन में फोलिक एसिड का यूज़ नहीं कर सकते ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडेशंस हो गए इसका डोज होता है 400 माइक्रोग्राम देन नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन के बारे में तो आयरन किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है ये सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे आयरन इज प्रेजेंट अबंडस इन एग योक एंड स्पिनैच अल्सो पीस तो आयन ये प्रेजेंट होता है किसमें अबंडेंस अमाउंट में मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में किसमें प्रेजेंट होता है एग योग में प्रेजेंट होता है स्पिनैच में प्रेजेंट होता है और पीस में प्रेजेंट होता है इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल हीमोपोएसिस तो नॉर्मल हीमोपोएसिस के लिए मतलब ब्लड के जो आरबीसी होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है एब्जॉर्ब आयन इज ट्रांसफर टू द बॉडी थ्रो अ स्पेसिफिक सिस्टम एपोफेरिटिन फेरिटिन सिस्टम तो जो एब्जॉर्ब आयन होता है वह हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू जिसको हम एपोफेरिटिन फेरेटिन सिस्टम भी कहते हैं इस सिस्टम के थ्रू ये जो एब्जॉर्ब आयन है ये हमारे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है इफ कंटेंट ऑफ आयरन इज हाई इन द बॉडी देन दिस सिस्टम इज सैचूरेटेड एंड नो आयरन इज एब्जॉर्ब अगर आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है मतलब हमारी बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उस कंडीशन में ये जो एपोफेरेटिन फेरेटिन सिस्टम है ये सेचुरेटेड हो जाता है जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्बशन ही नहीं होता तो इस तरीके से आयरन की ज़्यादा अमाउंट होना भी ये हमारे लिए हार्मुल हो सकता है There is no free iron in the plasma since it circulates in the combination with plasma protein. तो हमारे plasma में फ्री आयरन प्रेजेंट नहीं होता ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में रह के तो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ उसी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये सर्कुलेट करता है फ्री आयरन नहीं रहता हमारे प्लाज्मा में तो इस तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन होगी दे नेक्स्ट हम देखेंगे द ट्रांसफर इन हैज एबिलिटी टू बाइंड मोर देन थ्री एम जी आयरन पर लीटर ऑफ ब्लड तो ट्रांसफरिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में आयरन का ट्रांसफर करता है मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये जो ट्रांसफरिन है इसकी एबिलिटी होती है टू बाइंड मोर देन थ्री एम जी आयरन पर लीटर ऑफ ब्लड तो थ्री एम जी आयरन को ये बाइंड कर सकता है देन नेक्स्ट है नीड ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी हाई तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आयन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी टाइप्स दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन इन टू द बॉडी विच आर एज फॉलो दो तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं दो तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है आयर्न का उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन एंड सेकेंड वन इज द पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन तो दोनों के बारे में वन बाई वन हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन तो इसके बारे में देखेंगे देर आर सो मेनी एडवांटेजेस टू टेक आयन और अगर हम ओरली ले रहे हैं आयन तो उसके हमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं हमारे लिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओरल ओरल तो के यहाँ पर हमें मोस्ट कॉमन फॉर्म दिए गए हैं मतलब जो भी है उनके बारे में दिया गया है फेरस सल्फेट टैबलेट जो की टू हंड्रेड की होती है फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट जो कि थ्री हंड्रेड की होती है फेरस फ्यूमरेट टैबलेट जो कि टू हंड्रेड की होती है तो ये मेडिसिन है जो कि ओरली ली जाती है इनसे हमें आयन मिलता है देन नेक्स्ट है सम साइड इफेक्ट्स ऑन आयन ऑन जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे आयन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है नोजिया वॉमिटिंग एक्ट्रेशन ऑफ ब्लैक स्टूल तो इस तरीके से ये साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं देन नेक्स्ट हम देखेंगे पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन तो पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर देखेंगे इफ पेशेंट इज इनकेपेबल टू टेक आयरन बाय माउथ देन आयन इज गिवन बाई पेरेंट्रल रूट अगर कोई पेशेंट है जो कि माउथ के थ्रू आयन का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को रूट से आयन का एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है देयर आर टू टाइप ऑफ पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयन तो आयन के दो तरीके से पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाते हैं कौन कौन से है वो सबसे पहला है इंट्राविनस प्रिपरेशन तो इंट्राविनस प्रिपरेशन में कौन कौन से आते हैं मतलब वेन्स में दिया जाता है हमारे तो इंट्राविनस इंजेक्शन ऑफ आयन ऑक्साइड इज गिवन ऑफ डोज 20 एम पर मिलीलीटर तो इंट्राविनस इंजेक्शन होता है आयन ऑक्साइड का जो कि 20 एम इसका डोज होता है 20 एम पर मिलीलीटर इसके साइड इफेक्ट्स दिए गए हैं सम साइड इफेक्ट्स हाइपोटेंशन वोमिटिंग ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं देन नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन तो मसल्स में दिया जाता है इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन होता है आयन इज गिवन थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ डोज 50 एम तो आयन ये इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जाता है इसका डोज होता है 50 एम तो इस तरीके से ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई आयन से रिलेटेड तो डोज तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं इनके इंडिकेशन वही है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए या फिर बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए यही इंडिकेशन है आयन के और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप हाइपर सेंसिटिविटी लिख सकते हैं अगर हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी पेशेंट को तो उस कंडीशन में हम आयन का यूज़ नहीं कर सकते तो इस तरीके से ये हिमाटेनिक्स एजेंट्स होते हैं देन तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एंटी कोआगुलेंट्स तो एंटी कोआगुलेंट्स मतलब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं उसके बारे में देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटीकॉगुल्स दिस ड्रग यूज टू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इम्बॉल तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं क्या इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग जो क्लॉटिंग होता है मतलब जो क्लॉट फॉर्म होता है वो क्लॉट फॉर्म होने से हमारे जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो क्लॉट फॉर्म होता है उस क्लॉट फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये प्रिवेंट करते हैं और जो भी इम्बोलस फॉर्मेशन का रिस्क होता है उसको कम करते हैं इम्बोलस मतलब ये भी एक टाइप का क्लॉट ही होता है तो ये जो क्लॉट होता है इसको ये ड्रग प्रिवेंट करते हैं उसको फॉर्म नहीं होने देते ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट्स तो इनके बारे में देखेंगे एंटी कोआगुलेंट्स मेडिसिन वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद द क्लॉटिंग प्रोसेस एट वन और मोर लोकेशन तो एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन ये वर्क करती है किस तरीके से इंटरफेयरिंग विद क्लॉटिंग प्रोसेस तो जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग की प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाती और और वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो ये वन और मोर लोकेशन मतलब एक जगह पर या फिर एक से ज्यादा जगह पर भी ये एक साथ क्लॉटिंग की प्रोसेस को इंटरफेयर कर सकते हैं और जो क्लॉटिंग फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो इस तरीके से ये ड्रग होते हैं एंटीकोगुलेंट देर आर टू टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स आर प्रेजेंट तो दो टाइप के एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है इनविट्रो एंटीकोगुलेंट्स जिसका एग्जाम्पल है सोडियम एडिटेड एंड सेकंड वन इज द इन विवो एंटीकोगुलेंट जिसका एग्जाम्पल हैपेरिन एंड वैरपेरिन तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हो गए एंटीकोगुलेंट्स के तो so, इनके बारे में वन बाई वन हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इनविट्रो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जिसका एग्जाम्पल है सोडियम एडिटेड तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इट इनिबिट द थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेशन एंड प्रिवेंट क्लॉटिंग ड्रग होता है सोडियम एडिटेड ये थ्रोम्बोसाइट का एग्रीगेशन एग्रीगेशन मतलब एक्मिलेशन मतलब वो एक जगह पर जमा होते हैं जमा होकर वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और वहाँ पर एक फॉर्मेशन करते हैं क्लॉट का तो इस तरीके से ये क्लॉटिंग फॉर्म करते हैं इस तरीके से ये क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो थ्रोम्बोसाइट एग्रीगेशन है इसी को ये सोडियम एडिटेड इनहिबिट कर देता है और जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है तो इस तरीके से ये सोडियम एडिटेड काम करता है देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशन मतलब इसके यूजेस क्या होते हैं सोडियम एडिटेड के सबसे पहला है इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर तो हाइपर मतलब अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट फॉर लीड पॉइजनिंग लीड पॉइजनिंग के कंडीशन में भी ये ड्रग यूज किया जाता है प्रिवेंट क्लॉटिंग क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है तो इस तरीके से ये कुछ इसके इंडिकेशन हो गए इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस से एन्यूरिया मतलब नो no यूरिन मतलब यूरिन होती ही नहीं है उस कंडीशन को एन्यूरिया बोलते हैं तो ऐसा अगर किसी पेशेंट में है ऐसी कंडीशन अगर किसी पेशेंट में है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं दे सकते उनको दे नेक्स्ट है आर्थिररोस्लोसिस अगर आर्थिररोस्लुरोसिस ये कंडीशन है आर्थिररोस्लोसिस मतलब क्या होता है हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग हम उनको नहीं दे सकते तो इस तरीके से ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडेसन्स हो गए देन नेक्स्ट है इनका डोज डोज होता है फोर्टी एम जी पर के जी पर डे और मैक्सिमम डोज होता है ये नॉर्मल डोज हो गया और जो मैक्सिमम डोज होता है वो होता है सेवेंटी एम जी पर के जी पर डे मैक्सिमम नॉर्मल डोज है ये तो इस तरीके से ये डोज हो गया सोडियम एडिटेड का देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सेकेंड कैटेगरी जो कि है इन विट्रो एंटीकोआगुल्स तो ये हमारे सेकंड कैटेगरी है इसके बारे में देखेंगे इसके एग्जाम्पल से हिपेरिन प्रोटामिन सल्फेट वैरफेरिन तो इनके बारे में वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे हिपेरिन मेकनिजम ऑफ एक्शन तो हिपेरिन की मेकानिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे हिपेरिन इन्हेंस द एक्शन ऑफ एंटी थ्राम्बिन थ्री एंड एंटी थ्रोम्बिन थ्री इनिबिट द क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीज एंड इनिबिट द्लॉड फॉर्मेशन तो हिपेरिन ये क्या करता है ये इनहेंस द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थ्री जो एंटी थ्रोबिन थ्री होता है इसकी एक्शन जो है वो एनहेंस कर देता है बढ़ा देता है और ये एंटी थ्रोम्बिन थ्री क्या करता है ये इनिबिट करता है किसको क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीज प्रोटीज होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है प्रोटीज इसको ये एंटीथ्रोम्बिन थ्री ये इनहिबिट कर देता है ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन ही नहीं होता तो इस तरीके से ये पैरिन काम करता है ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटामिन सल्फेट मैकेनिज्म तो प्रोटामिन सल्फेट की मैकेनिज्म देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है दिस ड्रग डट हैव एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी तो ये जो प्रोटामिन सल्फेट है इसकी कोई एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी नहीं है इट बाइंड टू हिपेरिन एंड इंड्यूस एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी तो ये प्रोटामिन सल्फेट क्या करता है ये हिपेरिन से बाइंड होके उसकी जो एक्शन है वो बढ़ा देता है और एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी शो करता है बाकी इसकी कोई एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी जो है वो नहीं है तो इस तरीके से ये ड्रग होता है प्रोटामिन सल्फेट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे दिस ड्रग इज अ विटामिन के एंटागोनिस्ट तो ये जो ड्रग है ये जो वैरफेरिन है ये विटामिन के एंटागोनिस्ट है मतलब विटामिन के को ब्लॉक करने वाला इसको इनिबिट करने वाला ड्रग है इट ब्लॉक द फंक्शन ऑफ विटामिन के कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड देयर बाय रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है जो विटामिन के का कॉम्प्लेक्स होता है उसके जो फंक्शंस होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाता है रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से जो भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का जो भी सिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है अब ये विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है विटामिन के ये एक ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये वैरफेरिन क्या करता है ये इस विटामिन के को ही इनिबिट कर देता है मतलब इसका फॉर्मेशन ही कम कर देता है जिसकी वजह से जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका भी सिंथेसिस कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से वहाँ पर कोई भी क्लॉटिंग ऑकर नहीं होती तो इस तरीके से ये ड्रग प्रिवेंट करते हैं क्लॉटिंग को तो ये हो गया मेकेनिज्म वैरफेरिन का देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे इनकी सबसे पहला है प्रिवेंट फाइब्रीन फॉर्मेशन तो फाइब्रीन ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसका फॉर्मेशन प्रिवेंट कर देते हैं ये ड्रग इनिबिट थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है इसको भी ये ड्रग इनिबिट कर देते हैं इंड्यूस एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उसका एक्टिवेशन इंड्यूस कर देते हैं वैरफेरिन इनिबिट विटामिन के जो विटामिन के है उसका फॉर्मेशन ये वेरफेरिन इनिबिट कर देता है तो इस तरीके से ये कुछ इनके फॉलिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके, इनके इंडिकेशंस मतलब यूजेस क्या होते हैं सबसे पहला है हिपेरिन प्रिवेंट थ्रोम्बोटिक इवेंट तो जो थ्रोम्बोटिक इवेंट होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हिपेरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन नेक्स्ट है हिपेरिन यूज इन पलमोनरी इम्बोल्स पलमोनरी इम्बोलस को ट्रीट करने के लिए भी हिपेरिन का यूज किया जाता है वेरफेरिन यूज इन वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म तो वेरफेरिन ये किस में यूज किया जाता है जो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म मतलब वेन्स में जो एम्बोल फॉर्म होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है तो so, ये इसके कुछ इंडिकेशंस हो गए तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं प्लेटलेट्स काउंट इज लो अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है किसी को तो उस कंडीशन में

और यहाँ पर हमने हमारे दो कैटेगरी कंप्लीट की है इस चैप्टर की कौन कौन सी हिमाटेनिक एजेंट्स और एंटीकॉगुलट ड्रग्स तो इनके बारे में हमने यहाँ पर देखा तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू